जय हिंद दोस्तों, आपको प्रिपरेशन ऑफ जुडिशियल चैनल पे आपको स्वागत है। आज हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पुनः प्रारंभ करते हैं, जहां पिछले वीडियो में क्वेश्चन 1 to 25 किए थे। अब आज उससे आगे 26 to 46 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। कौन सा अनुयोज्य दावा है? ऑप्शन ए बकाया किराया का दावा, ऑप्शन बी भविष्य निधि, ऑप्शन सी भागीदारी में भाग का दावा, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी ये सभी। इसका व्याख्या देखते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 के अनुसार बकाया किराया का दावा, भविष्य निधि एवं भागीदारी में भाग के दावा ये सभी अनुयोज्य दावा के अंतर्गत सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। निम्न में से कौन अनुयोज्य दावा है? ऑप्शन ए भागीदारी में अंश, ऑप्शन बी एक डिग्री, ऑप्शन थर्ड किराए के बकाया के लिए दावा, ऑप्शन फोर संविदा भंग हेतु नुकसान प्राप्त करने का। तो ये सभी को मिलाकर एक ऑप्शन बनाया गया। केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल चार सही है, केवल एक एवं तीन सही है। तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन एक और ऑप्शन तीन सही है। अनुयोज्य दावा कौन है? ऑप्शन एक और ऑप्शन तीन अनुयोज्य दावा है, भागीदारी में अंश एवं किराए के बकाया के लिए दावा, ये अनुयोज्य दावा है। क्वेश्चन 27 का व्याख्या चलते हैं। यह आपको उत्तराखंड PCSJ 2013 में पूछा गया था। इसके व्याख्या, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत भागीदारी में अंश तथा किराए के बकाए के लिए दावा अनुयोज्य दावा है। धारा 130 के अंतर्गत अनुयोज्य दावे का अंतरण ऐसे लिखित के रूप में निष्पादित किया जाएगा जो अंतरक या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन अनुयोज्य दावा के रूप में मान्यता है? ऑप्शन ए भविष्य की डिग्री, ऑप्शन बी पुस्तक का कॉपीराइट, ऑप्शन सी अंतःकालीन लाभ का दावा, ऑप्शन डी किराए का बकाया। ये उत्तराखंड PCSJ 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है डी, यानी किराए के बकाए का दावा है वो अनुयोज्य दावा के रूप में माना जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 चलते हैं। निम्न में से कौन एक अनुयोज्य दावा नहीं है, यानी कोई एक अनुयोज्य दावा नहीं है, बाकी सब अनुयोज्य दावा है। ओके, इसमें से है चार ऑप्शन है, इसमें से तीन अनुयोज्य दावा है जबकि एक अनुयोज्य दावा नहीं है। जो नहीं है उसी को सेलेक्ट करना है, सही आंसर हो जाए। ओके, ऑप्शन ए बकाए किराए के लिए दावा, फर्म में भागीदारी के दावा, व्यापार से फायदे पर अधिकार, ऑप्शन डी ऐसा कर्ज जो अचल संपत्ति के बंधक से प्रतिभूत हो। क्वेश्चन नंबर 29 बिहार PCSJ 2009 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है डी, यानी ऐसा कर्ज जो अचल संपत्ति के बंधक से प्रतिभूत हो, अनुयोज्य दावा नहीं है और उपरोक्त तीनों ABC ये अनुयोज्य दावा है। इसका व्याख्या चलते हैं। बकाया किराए का दावा कमा फॉर्म में भागीदारी तथा व्यापार से फायदे पर अधिकार अनुयोज्य दावा है, जबकि ऐसा कर्ज जो अचल संपत्ति के बंधक से प्रतिभूत हो, अनुयोज्य दावा नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत अनुयोज्य दावा नहीं है। ऑप्शन ए साझेदारी का हिस्सा, ऑप्शन बी पेशगी को वापस लेने का दावा, ऑप्शन सी किराए के बकाए का दावा, ऑप्शन डी कॉपीराइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर डी, यानी जो कॉपीराइट है वो अनुयोज्य दावा नहीं है। ओके, इसकी व्याख्या चलते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 3 के अंतर्गत साझेदारी के हिस्से में किराए के बकाए का दावा पेशगी को वापस लेने का दावा अनुयोज्य दावा है, किंतु कॉपीराइट अनुयोज्य दावा नहीं है। ओके, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत निम्न में से कौन अनुयोज्य दावा नहीं है? क्वेश्चन 31 का ऑप्शन ए बीमा पॉलिसी के अधीन देय धन प्राप्त करने का अधिकार, ऑप्शन बी डिक्री के अंतर्गत देय धन प्राप्त करने का अधिकार, ऑप्शन सी मकान का किराया प्राप्त करने का अधिकार, ऑप्शन डी भरण पोषण के बकाया धन प्राप्त करने का अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर है डिक्री के अंतर्गत देय धन प्राप्त करने का अधिकार अनुयोज्य दावा नहीं है, यानी 31 का सही आंसर हो गया बी।
ये उत्तराखंड PCSJ 2008 में पूछा था। इसका व्याख्या पढ़ते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 के अनुसार जीवन बीमा पॉलिसी के अधीन देय धन प्राप्त करने का अधिकार मकान का बकाया किराया प्राप्त करने का अधिकार एवं भरण पोषण का बकाया धन प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद दावा है, जबकि डिग्री के अंतर्गत देय धन प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद दावा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से क्या कार्रवाई योग्य दावा नहीं है? ऑप्शन ए लॉटरी टिकट, ऑप्शन बी दावेदारी के कब्जे में रहने वाले चल संपत्ति पर लाभकारी हित, ऑप्शन सी जीवन बीमा पॉलिसी, ऑप्शन डी किराए के बकाया राशि के लिए दावा। ये आपका क्वेश्चन छत्तीसगढ़ सिविल जज 2016 में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है बी, यानी दावेदार के कब्जे में रहने वाली चल संपत्ति का लाभकारी हित। क्वेश्चन नंबर 32 का व्याख्या देखते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 में दी गई अनुचित दावे की परिभाषा के अनुसार किसी अप्रतिभूति ऋण तथा चल संपत्ति में लाभप्रद हित जो दावेदार के कब्जे में चाहे वास्तविक रूप में या आण्विक रूप में हो को अनुचित दावा के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। लॉटरी टिकट, किराए के बकाया राशि के लिए दावे तथा जीवन बीमा पॉलिसी अनुचित दावा के अंतर्गत आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुचित दावा नहीं है? यानी नीचे के जो चार ऑप्शन है इसमें से कोई अनियोजित दवा नहीं है, बाकी सब अनियोजित दवा है। ओके, किराए के बकाए का दावा, सेवानिवृत्ति के पश्चात देय भविष्य निधि, भागीदारी में हिस्सा या सुरक्षित ऋण, चार ऑप्शन में से कोई एक सेलेक्ट करना है जो क्या है अनियोजित दवा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 जो कि राजस्थान सिविल जज 2011 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है क्वेश्चन डी, यानी सुरक्षित ऋण यह अनियोजित दवा नहीं है। इसका मतलब ऊपर के जो तीन ऑप्शन ए बी सी ये टोटल अनुचित दावा के अंतर्गत आ जाता है। इसका व्याख्या पढ़ते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत भागीदारी में हिस्सा, किराए का बकाया का दावा, सेवानिवृत्त के पश्चात भविष्य निधि का दावा अनुचित दावा है, जबकि सुरक्षित ऋण का दावा अनुचित दावा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा अनुचित दावा नहीं है? ऑप्शन ए भविष्य निधि खाते का अधिकार, ऑप्शन बी LLB परीक्षा में वचन ग्रहिता के उत्तीर्ण होने पर 500 रुपया भुगतान करने का वचन, ऑप्शन सी वचन ग्रहिता द्वारा किसी महिला विषप से विवाह करने पर 500 रुपये का भुगतान करने के कारण संविदा जो दायित्व से युग्मित है लाभ क्लेम करने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है बी, यानी अनुचित दावा नहीं है। LLB परीक्षा में वचन ग्रहिता के उत्तीर्ण होने पर 500 रुपये भुगतान करने का वचन जो है वो अनुचित दावा नहीं है। यह आपको MPHS 2010 में पूछा गया था। ओके, इसका व्याख्या पढ़ते हैं। भविष्य निधि खाते का अधिकार संविदा जो दायित्व से युग्मित है का लाभ दावे करने का अधिकार वचन ग्रहिता द्वारा किसी महिला विषप से विवाह करने पर 500 रुपया का भुगतान करने का अधिकार अनुचित दावा है, जबकि LLB परीक्षा में वचन ग्रहिता के उत्तीर्ण होने पर 500 रुपया का भुगतान करने का वचन अनुचित दावा नहीं है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 35 के चलते हैं। निम्न में से कौन से संयोजन सही सुमलित नहीं है, यानी सही सुमलित है सॉरी, ऑप्शन फिलिंग इन द मतलब जो ब्लैंक फिलिंग इन द ब्लैंक नहीं है वही है जो इसके सामने है वो सही होता है गलत होता है वो पूछ रहे हैं। ओके, अंतःकालीन लाभ अनुचित दवा है या नहीं है? एक मुस्लिम पत्नी का संदत मेहर का दवा अनुचित दवा है या नहीं है? अप्रतिभूति ऋण अनुचित दवा है या नहीं है? या माल विक्रय संहिता के अधीन अनुचित दवा है या नहीं है? इसका सही कुट में चुनना है तो इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए बता रहा है 2, 3, 4 सही है, ऑप्शन बी बता रहा है 1, 2 और 2 सही है, ऑप्शन सी बता रहा है 2 और 3 सही है, और ऑप्शन 4 बता रहा है 1 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर ए है, यानी 2, 3 और 4 वो अनुचित दावा है। एक मुस्लिम पत्नी का संदत मेहर का दावा अनुचित दावा है, अप्रतिभूति ऋण अनुचित दावा है, माल विक्रय संहिता के अधीन लाभ ये अनुचित दवा के अंतर्गत आ जाता है। इसका व्याख्या पढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 का जो कि सिविल जज उत्तराखंड में 2002 में पूछा गया था। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत एक मुस्लिम पत्नी का असंदत मेहर का दावा, अप्रतिभूति ऋण तथा
माल विक्रय समिति का अधीन लाभ अनुजुदाभा है, जबकि अंतकालीन लाभ अनुजुदाभा नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम के धारा 3 के अंतर्गत सूचना की कोटि में नहीं आता है, सूचना की कोटि में क्या नहीं आता है? रजिस्ट्रीकरण जहाँ लिखित अनिवार्य रजिस्ट्री योग्य हो। ओके, उसके बाद रजिस्ट्रीकरण जहाँ लिखित अनिवार्य रजिस्ट्री योग्य ना हो, ऑप्शन सी अधिपत्य, ऑप्शन डी अभिकर्ता को सूचना। क्वेश्चन 36 का सही आंसर है बी, रजिस्ट्रीकरण जहाँ लिखित अनिवार्यता रजिस्ट्री योग्य ना हो वो सूचना कोटि में नहीं आता। ओके, सही आंसर इसका भी है। इसका व्याख्या पढ़ते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 धारा 3 में परिभाषित सूचना का स्पष्टीकरण एक के उपबंधों के आधार पर विकल्प बी सूचना की कोटि में नहीं आता है। धारा 3 के अनुसार किसी तथ्य की किसी व्यक्ति की सूचना तब कही जाती है जब वह वास्तव में उस तथ्य को जानता है अथवा यदि ऐसे जांच या तलाश जो उसे करनी चाहिए थी करने से जानबूझकर प्रवृत्त न रहता या घोर उपेक्षा न करता तो वह उस तथ्य को जान लेता। विकल्प के संबंध में स्पष्टीकरण एक में विकल्प व अधिपत्य के संबंध में स्पष्टीकरण तीन प्रावधान है। अधिनियम के द्वारा 39, 40, 41, 42 and 53 का स्पष्टीकरण फर्स्ट में सूचना का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा, क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में संपत्ति अंतरण की कौन सी धारा सूचना को परिभाषित करता है, यानी संपत्ति टीपीए के अंतर्गत कौन सी धारा जो सूचना को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए धारा 2, ऑप्शन बी धारा 3, ऑप्शन सी धारा 5 और ऑप्शन सी धारा 3 का स्पष्टीकरण 2। तो ये जो क्वेश्चन 37 है उत्तराखंड सिविल जज 2009 में पूछा था, इसका सही आंसर है बी यानी धारा 3। सूचना को कहाँ परिभाषित किया गया है टीपीए में, तो धारा 3 में सूचना को परिभाषित किया गया है। अनुप्रमाणन के लिए कितने साक्षीगण आवश्यक है, ऑप्शन ए एक या एक से अधिक, ऑप्शन बी दो या दो से अधिक, ऑप्शन सी तीन या तीन से अधिक, ऑप्शन डी कोई संख्या भीत नहीं है। तो इसका सही आंसर 38 का ऑप्शन बी दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक साक्षीगण आवश्यक किसके लिए, अनुप्रमाणन या जिसे अटेस्टेड बोलते हैं अटेस्टेड के लिए। यह एमपीए डीपीओ 2015 में पूछा गया था। इसका व्याख्या पढ़ते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 के अनुसार अनुप्रमाणित से ऐसे दो या अधिक साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित अभिप्रेत है और सर्वदा अभिप्रेत रहा होना समझा जाएगा जिसमें से हर एक ने निष्पादक को लिखित हस्ताक्षर करते या अपना चिन्ह लगाते देखा हो, यानी निष्पादक की उपस्थिति में और उसके निर्देश पर किसी अन्य व्यक्ति को लिखित हस्ताक्षर करते देखा हो, या निष्पादक से उसके अपने हस्ताक्षर या चिन्ह की या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की व्यक्तिगत अभिस्वीकृति पाई हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 को चलते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत एक लिखित के वैध अनुप्रमाणन हेतु यह आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है लिखित के एक वैध अनुप्रमाणन यानी वैध अटेस्टेड के लिए? ओके, ऑप्शन ए प्रत्येक अनुप्रमाणक साक्षी ने निष्पादित को लिखित हस्ताक्षर करते या अपना चिन्ह लगाते देखा हो, ऑप्शन बी निष्पादक ने अनुप्रमाणक साक्षी को लिखित हस्ताक्षर करते देखा हो, ऑप्शन सी प्रत्येक अनुप्रमाणक साक्षी ने निष्पादक की उपस्थिति में लिखित पर हस्ताक्षर किया हो, ऑप्शन सी उपयुक्त सभी। यानी क्वेश्चन नंबर 39 का यह सही हो गया है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी सही है, जो एक लिखित वैध अनुप्रमाणन के लिए आवश्यक है। इस क्वेश्चन नंबर 39 की व्याख्या में चलते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 में दी गए अनुप्रमाणन की परिभाषा से स्पष्ट है कि वैध अनुप्रमाणन हेतु उपयुक्त सभी विकल्प आवश्यक है। प्रत्येक साक्षी द्वारा लिखित या दस्तावेज पर निष्पादक की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है, किंतु यह आवश्यक नहीं कि ऐसे साक्षी में से एक या अधिक एक ही समय पर उपस्थित रहे हो। अनुप्रमाण का कोई विशिष्ट प्रारूप होना भी आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 को चलते हैं। किसी दस्तावेज का अनुप्रमाण करने वाला साक्षी हो सकता है, उस दस्तावेज का एक पक्षकार, उसका लेखक, ऐसा ही व्यक्ति जिसने दस्तावेज लिख देने वाले को दस्तखत करते हुए देखा किंतु जो उसके दस्तखत जानता हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि एमपी सिविल जज 1983 में पूछा गया था, इसका सही आंसर है सी यानी ऐसा व्यक्ति जिसने दस्तावेज लिख देने वाले को दस्तखत करते हुए देखा हो किंतु उसे दस्तखत जानता है, वह होगा क्या अनुप्रमाणन साक्षी हो सकता है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। दस्तावेज के संबंध में अनुप्रमाणन का अर्थ है जिससे साक्षित किया हो दो या दो से अधिक व्यक्ति ने, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एक राजपत्रीय अधिकारी ने, ऑप्शन सी दो या अधिक साक्षियों ने, ऑप्शन डी दो पुरुष साक्षियों ने। तो 41 का सही आंसर है दो या अधिक व्यक्तियों ने, दो या अधिक साक्षियों ने, 41 का ऑप्शन सी, साक्षी और व्यक्तियों में अंतर हो जाता है। ओके, जो साक्षी जिसने देखा है, व्यक्ति जिसने देखा या ना देखा वो भी व्यक्ति होता है, लेकिन साक्षी जिसने देखा हो वो साक्षी के अंतर्गत आता है। ओके, या जो साक्षी के तौर पर पेश करे वो साक्षी, जो साक्षी साक्ष के तौर पर उपस्थित हो वो साक्षी कहलाता है। दस्तावेज के संबंध में होगा ये 41 का, 41 का व्याख्या तो वही है जो दो या दो से अधिक व्यक्ति अनुप्रमाण साक्षी हो सकता है जो साक्ष करने में सक्षम। ठीक, ओके। 42 किसी लिखित के प्रमाणन के संबंध में साक्षियों की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर के क्रम, हस्ताक्षर के संबंध में न्यूनतम संख्या क्या हो, ऑप्शन ए कम से कम एक हो, ऑप्शन बी कम से कम दो हो, ऑप्शन सी कम से कम तीन हो, ऑप्शन डी कोई आवश्यक नहीं है। ये क्वेश्चन उत्तराखंड PCSJ 2015 में पूछा गया था। ये पूछ रहा है, कहने का मतलब सवाल का, से अनुप्रमाणन के लिए यानी अटेस्टेड के लिए कम से कम कितने साक्षी की उपस्थिति होना चाहिए यानी न्यूनतम मिनिमम क्या होना चाहिए। इसका कम से कम दो यानी ऑप्शन बी सही है, 42 का ऑप्शन बी सही है। ये उत्तराखंड PCSJ 2015 में पूछा था, MPL सिविल जज 2000 और 2004 में पूछा था, उत्तराखंड जज में पूछा था 2011 में पूछा था। ओके, 43 चलते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के धारा 3 के अधीन लिखित अभिप्रेत थे, वसीयत लिखित से ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अवसीयत लिखित से, ऑप्शन डी सी दोनों, ए तथा बी से उपयुक्त में से कोई नहीं। 43 का सही आंसर है ऑप्शन बी अवसीयत लिखित से। ओके, लिखित से क्या अभिप्रेत है, अवसीयत लिखित से। 43 का व्याख्या पढ़ते हैं, जो कि 43 क्वेश्चन यूपी में भी पूछ चुका है 2016 में और बिहार PCSJ में भी पूछ चुका है 2016 में। इसका सही आंसर बी हो गया, अवसीयत लिखित अभिप्रेत है। ओके, इसका व्याख्या पढ़ते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 में दी गई परिभाषा के अनुसार लिखित से अवसीयत लिखित अभिप्रेत है। सामान्य रूप में लिखित से तात्पर्य एक ऐसे औपचारिक विधिक दस्तावेज से है जिसके माध्यम से एक अधिकार का सृजन किया जाता है या उसकी पुष्टि की जाती है या एक तथ्य अभी निर्धारित किया जाता है। धारा में दी गई परिभाषा यह स्पष्ट करती है कि वसीयत लिखित पंजीकृत या गैर पंजीकृत द्वारा स्वत्व का अंतरण संपत्ति अंतरण के अधीन नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 44 निम्न में से किसके द्वारा स्वत्व का अंतरण नहीं होता है, पंजीकृत विनियम पत्र, ऑप्शन बी पंजीकृत वसीयत पत्र, ऑप्शन सी पंजीकृत दान पत्र, ऑप्शन डी पंजीकृत विक्रय पत्र। 44 जो कि MPL सिविल जज 2016 में पूछा था, इसका सही आंसर है पंजीकृत वसीयत पत्र। ओके, ऑप्शन 45 तिलकधारी लाल बनाम खेदन लाल का वाद जो प्रीवी काउंसिल का निर्णय संबंधित है किससे संबंधित है, TPA के धारा 3, ऑप्शन ए धारा 42, ऑप्शन बी धारा 107, ऑप्शन सी ऑप्शन डी 122। यानी खेदन तिलकधारी लाल बनाम खेदन लाल का जो मान है किससे संबंधित है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 से संबंधित है। तिलकधारी लाल बनाम खेदन लाल का मामला जो 1921 में आया था, यह फिर भी काउंसिल का वाद है, धारा 3 से संबंधित है। इस वाद में यह निर्णय दिया गया था कि पंजीयन सूचना है अथवा नहीं है, यह प्रश्न विधि का प्रश्न न होकर तथ्य का प्रश्न है जो प्रत्येक वाद की परिस्थिति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 46 यानी लास्ट क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम विनियमित करता है मात्र जीवित व्यक्ति के मध्य अंतरण, जीवित व्यक्ति के मध्य अंतरण एवं न्यायालय के आदेश द्वारा अंतरण, ऑप्शन सी जीवित व्यक्ति के मध्य अंतरण में विधि की क्रिया द्वारा अंतरण, ऑप्शन डी उपयुक्त समस्त अंतरण। संपत्ति अंतरण अधिनियम विनियमित करता है ऑप्शन ए मात्र जीवित व्यक्ति के मध्य अंतरण पर यह लागू होता है, MPA DPA 2009 में पूछा गया था। इसका व्याख्या पढ़ते, संपत्ति अंतरण की आवश्यकता तो निम्न है,
ऑप्शन एक, संपत्ति अंतरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें संपत्ति एक व्यक्ति के पास से दूसरे व्यक्ति के पास जाती है। ऑप्शन बी, साधारणतः संपत्ति का अंतरण जीवित व्यक्ति के मध्य होता है। ऑप्शन तीन, संपत्ति अंतरण वर्तमान में या भविष्य में किया जा सकता है। ऑप्शन चार, संपत्ति अंतरण के समय अस्तित्व में होना चाहिए। ऑप्शन पाँच, संपत्ति अंतरण योग्य होना चाहिए। ऑप्शन छः, पक्षकार अंतरण करने में सक्षम होना चाहिए। ऑप्शन सात, संपत्ति स्वयं के भी अंतरण किए जा सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं तक समाप्त होता है। इतना साथ देने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद। फिर अगले क्लास में, अगले सेशन में मिलते हैं। इसके लिए